Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ आज, कुछ एक डेढ़ हफ्ते बाद, और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक लेके आया हूँ. अगेन मैंने बात करी थी इंटेंसिटी की अपने इंटेंसिटी वाले वीडियो में कि किस तरह से आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? और आज मैं वही टेक्निक लेके आया हूँ हमारी फेवरेट मसल पार्ट के लिए, विच इज़ बाइसेप्स. तो क्या है वो टेक्निक? वो टेक्निक है टेम्पो की, जिस तरह से आप अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. प्लीज़, जिन लोगों ने वो इंटेंसिटी वाला वीडियो नहीं देखा है, अब देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा मैं क्या बात करने वाला हूँ आज. इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, जो लोग भी प्लेटो, जिनकी यू नो मसल बिल्डिंग में आ गया है, स्पेसिफिकली बाइसेप्स की अगर हम बात करें, और जो लोग हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाते और जिनको मसल को हिट भी करना है और उसको ब्रेक भी करना है, उनके लिए ये टेक्निक काफ़ी काम आएगी. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज टेम्पो. टेम्पो का क्या मतलब होता है जिस टेक्निक को हम इस्तेमाल करने वाले हैं. अब देखिए, नॉर्मल जब हम बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं तो मैंने आपको ये हमेशा से बताया है कि 3-2-1 वाला टेम्पो हम रखेंगे, यानी कि काउंटिंग वाला, ठीक है? जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड 3-2-1 एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, 3-2-1 एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये आपका जनरल टेम्पो रहेगा, यानी कि कितनी देर में आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो रहा है, उसे टेम्पो कहा जाता है. यानी कि रेप की, रेपिटेशन की टाइमिंग, कितनी देर में वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? ये होता है टेम्पो. अब हम इसी के साथ आज खेलेंगे. तो नॉर्मल टेम्पो मैंने आपको दिखा दिया. अब वेरिएशन यहाँ पे क्या करना है, पहले इसके पहले ये समझिए कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक एंड ईसेंट्रिक. सो जब आपका वेट, रेजिस्टेंस ऊपर की ओर आता है तो उसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक पार्ट. और इसको ईसेंट्रिक पार्ट कहते हैं जब आपका रेजिस्टेंस नीचे की ओर, मतलब वापस जा रहा है लोड, ठीक है? और इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक पार्ट का मतलब होता है कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सी कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका बाइसेप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब हम आर्म को ऐसे फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है? और ये ईसेंट्रिक, आपका बाइसेप एलोंगेट, यानी कि स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है? कॉन्सेंट्रिक एंड ईसेंट्रिक मूवमेंट. अब इस टेम्पो का इस्तेमाल हम ईसेंट्रिक मूवमेंट में करेंगे, ईसेंट्रिक पार्ट में करेंगे. किस तरह से, देखिए. तो सबसे पहले आप एक तरह का बाइसेप बारबेल कर्ल लेंगे, ओल्ड स्कूल स्ट्रेट बार. स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये होगी, नॉर्मल कॉन्सेंट्रिक पार्ट आपका नॉर्मल स्पीड में जाएगा ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने. अब देखिए, ध्यान देने वाली बात, टेक्निक जो है वो आपको यहाँ से 5 सेकेंड काउंट करना है, लिटरली 5 सेकेंड. सी 5, 4, 3, 2, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 5, 4, 3, 2, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 5, 4, 3, 2, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 5, 4, 3, 2, 1 कॉन्ट्रैक्ट. गाइस, ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, सिर्फ मैंने बारबेल लिया हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ मैंने 5 रेपिटेशन किए और बहुत ही अच्छा मुझे एक्टिवेशन अपने बाइसेप के ब्राकिया, यानी कि लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड पे मिला है. तो जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं किसी भी तरह की इंजरी से, वो प्लीज़ इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए. आपको बहुत ही कम वेट में भी वो ज़्यादा वेट वाला ट्रॉमा मसल को महसूस होगा, और जिसकी वजह से आपका जो मसल टेयर है, मतलब मसल जो ब्रेक होगा, जिसकी वजह से, जिसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपको अचीव हो जाएगा. दूसरा बेनिफिट आपको उन लोगों को भी मिलेगा जिन लोगों को मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि भाई सर मैं ये बना ही नहीं पाता हूँ. तो देखिए, जब आप रेपिटेशन को इतना स्लो कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पूरी तरीके से कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है इस मोशन को परफॉर्म करने के लिए, और पूरी तरीके से आप फील करेंगे कि भाई मेरा बाइसेप पूरी तरीके से ईसेंट्रिक पार्ट में एलोंगेट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है. सी स्ट्रेच, फ्रंट से देखिए, बाइसेप पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रहा है, और आपको ये फील होगा, आपके ब्रेन सिग्नलिंग जो होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल कर रहा है इस मसल को कि भाई धीरे 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 स्ट्रेच करो. तो ये मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है. इसके बाद बारी आती है जो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगी चीज़, वो है आपकी फॉर्म एंड टेक्निक. देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग जल्दीबाजी करने के चक्कर में, बहुत जल्दी करने के चक्कर में फॉर्म की बहुत गड़बड़ी करते हैं. अब इसमें तो वो चांस है ही नहीं, आपको करना ही स्लो है. तो देखिए, कॉन्सेंट्रिक पार्ट, किस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को, उसके बाद भैया कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है.
आप स्लो ही जाएंगे और स्लो जाने के लिए आपको अपना शोल्डर फिक्स करना पड़ेगा। आप शोल्डर को यूं नहीं कर सकते, ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको उस वेट को भी कंट्रोल करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म भी मेंटेन रहेगा, फॉर्म भी आपकी टेक्निक भी सुधरेगी, पोस्चर भी मेंटेन होगा। पोस्चर टेक्निक के बारे में मैंने बहुत बार वीडियोज़ बनाए, आप चेक कर सकते हैं उसको, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। इसके बाद बात करते हैं मसल फाइबर्स की। अब देखिए, आपने तो सुना तो होगा स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि होते क्या है। पता भी होगा लेकिन इस तरह से होगा कि भाई स्लो ट्विच मसल फाइबर्स एंड्योरेंस के लिए होते हैं, ज़्यादा रिपीटेशन लगाने के लिए, और फास्ट ट्विच बहुत ही हैवी वेट उठाने के लिए। मैं आपको सही सही चीज़ बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि नाम कह रहा है, स्लो ट्विच यानी कि ट्विच यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड स्लो रहती है, राइट। और फास्ट ट्विच मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्पीड फास्ट रहती है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज़्यादा पावर जनरेट करता है। और स्लो ट्विच होने की वजह से जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे पावर जनरेट करता है लंबे समय तक एंड्योरेंस के लिए, ज़्यादा रेपिटेशन के लिए, लंबा मैराथन भागने के लिए, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जब आप इसेंट्रिक पार्ट को स्लो कर रहे हैं तो देखिए आपके न सिर्फ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ट्रेन हो रहे हैं बल्कि साथ साथ आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, जिनको टाइप वन मसल फाइबर्स भी कहा जाता है स्लो ट्विच को, और फास्ट ट्विच आपको पता है टाइप 2A एंड टाइप 2B। तो बेसिकली आप दोनों तरह के मसल फाइबर्स को इस सिंपल एक्सरसाइज में, एक ही एक्सरसाइज में हिट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ और भी तरह के न्यू फाइबर्स आपके एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इस तरह का मूवमेंट आपने कभी नहीं किया होगा पहले। आपकी मसल्स, बॉडी, इसके लिए बॉडी के लिए ये मूवमेंट बहुत ही फॉरेन होगा, एलियन होगा। उसकी वजह से आपके स्टेबलाइजर मसल्स, राइट, जो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्टेबिलिटी भी तो चाहिए, राइट, तो उसके लिए आपके लिए स्टेबलाइजर मसल्स भी एक्टिवेट होंगे और इस तरह के फाइबर्स भी टच होंगे आपके बाइसेप में जो कभी भी टच नहीं हुए थे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके नए मसल्स को भी रिक्रूट करने के लिए। और गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस तरह की टेक्निक में आपको हैवी वेट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक रेप रेंज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी रेप रेंज लीजिए जिसमें 10 से 12 रेपिटेशन की रेप रेंज, यानी कि ऐसा ही वेट जिससे 10 से 12 रेपिटेशन ही आ पाएँ इस टेक्निक में, इस फॉर्म में, और बिल्कुल भी आपकी पोस्चर गड़बड़ ना हो, कुछ भी, ठीक है। तो आप ज़्यादा हैवी वेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूँ तो अगर आप अपने वन रैप मैक्स यानी कि वन रेपिटेशन मैक्स का 40% या फिर 45% या 50% रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज को 10 से 12 रेपिटेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन्जॉय करिए इसको, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अब ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई है तो टेम्पो से रिलेटेड मैं ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट कवर करने वाला हूँ, राइट। आज बाइसेप की बात करी, हो सकता है चेस्ट की बात आए नेक्स्ट में, तो अलग अलग तरीके में लेके आऊँगा और ये बहुत ही बेनिफिट करेगा गाइज आप लोगों को। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड गाइज यानी कि लाइक कीजिए एंड टेक केयर। जीत सलाल, बाय बाय।